लंबाई भी बहुत है शो की, तो वैसे भी ये मॉडल 4x4 ही होंगे। हाँ देखो इनकी शेप भी 4x4 वाली है। हाँ जी सत श्री अकाल जी सारों, तो लो जी स्वागत है अज्ज के अपने एक नवे ब्लॉग के। वैसे ब्लॉग अज काफ़ी दिन बाद आन दिया, लगातार 4-5 दिन का गैप पै चुका है, तो उस तो बाद अज ब्लॉग आ रहा। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई सी फैमिली दे, तो इस करके मैं ब्लॉग नहीं शूट कर सकिया। तो अज भी बस इस करके शूट कर दिया वा क्योंकि ज़्यादा गैप ना पवे, नहीं तो जे अज भी ना शूट करता तो फिर नैक्सट तुसी ला लो भी सोमवार को आना सीगा ब्लॉग, यानी पूरा एक हफ्ते का गैप पै जाना ही। तो दूजे चैनल दे वीडियोज़ जिदा अपलोड नहीं सी हुई, किसी चैनल दे भी नहीं अपलोड की, मैं एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं की। हाँ तुसी इत्थे वेख लो मॉडल एतवार दे जिथे खड़े सीगे उत्थे ही खड़े ने, उवें टोजन पा के एक रील शूट की सी बस मैं, ठीक है। वह भी मैं अपलोड काफ़ी दिन बाद ही की है, 2-3 दिन बाद अपलोड की रील। तो अज थोड़ा टाइम मिले मैनू, इस करके अज आप वीडियो शूट कर रहे हैं, एक तो नाले देखते हैं माड़ा चंगा ब्लॉग बना लेने। तो मेरा प्लैन है कि अर्जन नाल बाहर शूट कर लीए, बाहर ना मौसम मौके तो ठीक है, हवा भी बिल्कुल रुकी हुई है, ठीक है। नहीं तो इदा हुंदा नहीं खेती कित्या, या तो धुप हुंदी पूरी या हवा वगदी हुंदी है, मौके तो हजे सूरज पूरा उगया नहीं गा, ठीक है। सवेर सवेर का टाइम है, टाइम लगभग 6:30 मान के चलो तुम 6:30 हो रहे हैं, तो आप वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। आ रिमोट अर्जन का, हाँ ये अर्जन का रिमोट है हिस्से का, तो हुक मैं सैट कर लेना इनकी, ठीक है। हुक सैट करके एक वीडियो शूट करते हैं इन ट्राले पर ही, डबल टायर पाए ने, देखते हैं ट्रैक्टर से जोर कितना कु बढ़िया है, गेयरबॉक्स वगैरह सारा ओके है। एक हिसाब से तुम टैसटिंग मान के चलो, जो टायर आप डबल किए हैं अर्जन के, उस तो अलावा जो गेयरबॉक्स सारा नवा बनाया उस तो बाद इनकी टैसटिंग हो ही नहीं गई, इस करके एक काम ये करते हैं। वैसे तो बार कद्दू वाली वीडियो शूट करना प्लैन से पानी छड के, पर टाइम ज़्यादा लग जाना, खलारा बहुत ज़्यादा हो जाना, तो इन्ना टाइम मौके तो है नहीं, इस करके आप अर्जन नाल ही देखते हैं माड़ी चंगी वीडियो शूट कर लेने जिवें दी होगी, ठीक है। आ प्लैन आ मौके पर, उनके एक तो अपन चाहिए अपना गिम्बल, ठीक है, तो एक चाहिए ट्राला। ट्राले देख लो तुसी हजे तक यही नहीं ठीक होया, इंदा पंप वेखन वाला पिया है, ठीक है, इंदा वेखो डाला डूला टुटिया पिया है। आ ट्राला जमा सही है, बस पंप नहीं इन्हां दे थले डाउन किए, मैं इदा ही खड़े हुए ने, कोई चक्कर नहीं है। उस तो अलावा नवा ट्रैक्टर वैसे तो स्टार्ट कर देना सी आपां, तो वह भी मैं लगता हूँ 3-4 दिन लेट हो जूगा, बाकी कहड़ा ट्रैक्टर वो तो मैं दस दाँगा। वैसे मैं पुराने ब्लॉगों भी शायद कई बार दस चुका वा, तो जोड़ा स्वराज है उन्हें तो भी कम चलन दिया, उन्हें बारे भी तुम अगे इस ब्लॉग से थोड़ा अपडेट देना मैं। फिलहाल हूँ एक बार छेती छेती कम करिए शूटिंग वाला, नहीं तो हवा फिर स्टार्ट हो जानी बाहर, ठीक है। मैं समान सारा बाहर लैके जाना वा, वीडियो शूट कर वा, हजे मैंने भी नहीं पता कि अर्जन से जी बैटरी है वो चार्ज है कि डाउन है, क्योंकि इन्हें एक ही बैटरी पी है। चलो देखते हैं पहला शूटिंग वाला काम नबेड़ते हैं माड़ी चंकी जिमें भी होंगी है। तो लो भी मुड़ो अर्जन की टैसटिंग कर ली आप ट्राले, तो फ्रंट तो इना वेट पाना पाया क्योंकि फ्रंट तो ट्रेटर अपना हल्का ही सगा, तो वह तो वैसे भी आप गल कर ही चुके हैं, केंद्र बंपर से वेट पाना पैना काफ़ी, तो बाकी ट्रैक्टर ने परफॉर्मेंस बहुत वधिया दिती है, डबल टायर होने करके ना स्लिप स्लुप बिल्कुल ही नहीं कटता ट्रैक्टर, बहुत ही रेयर है स्लिप पेंदे। तो अज की वीडियो ना कोई ज़्यादा हैवी टैसटिंग की नहीं, आप आने वाले टाइम से फिर अगे वीडियो शूट करते हैं, अज तो बस मेन जे अपने सब नालों आपखे राह तुम कह लो बनाए हुए हैं जितों ट्रेटर टपाने, ठीक है, जिमें चढ़ाई होगी इधर भी एक दो चढ़ाइया है, बस आई एक दो टैसटिंग कीतिया ने, फिर अगे आप प्रोपर वीडियो शूट करा, हजे इतने रेता तो भी चला इनू, तो मैं सोचा चल निक्की जी एक वीडियो शूट कर लेने। उस तो अलावा एक होर प्रॉब्लम आई सी वो तुम अंदर चल के दसदा, फिलहाल हूँ एक रील शूट कर ला मैं, ठीक है, मैं हूँ कढ़िया ट्रैक्टर एक रील शूट कर ही लेने, शूट करके तो फिर लै चलदा समान सारा मैं अंदर। लो भी मुंडियो अर्जन अपना आ गया अंदर, आ देखो मिट्टी आप दिलों तो साफ की, पर फिर भी धक्के रह ही जाती है, तो शूट आप करनी सी वैसे वीडियो एक दो होर अर्जन नाल, तो वह नहीं शूट की, उनका रीज़न तुम मैं दसदा वह सीगा बैटरिया, क्योंकि बैटरिया आप काफ़ी टाइम दियाँ चार्ज नहीं सी लाइया, इस करके अर्जन की जी वीडियो आप शूट नहीं की,
इनकी जी वीडियो शूट की उनके भी तीन चार बारी बैटरियां चेंज कीतियां मैं तो वह बैटरियां कड़ियां फिर इन्होंने ट्रेटर चो देखो अर्जन न्यू होलैंड थले कट के रखा हुआ इस करके क्डे क्योंकि दूजिया जिन्या भी बैटरियां सगिया इतने सारिया चार्ज होने वाली सी चार्ज लाने का टाइम ही नहीं मिले तो हूँ शूट करना सी इन बैटरी सी वो आयद आ जी वो बैटरी भी डाउन हो गई अद्धी को वीडियो शूट करा के उस तो बाद फिर दूजिया बैटरियां मैं इदा तैयार कीतियाँ उनके उत्ते आ चीज़ लाने वाली रही सी अजे फिर ला के ते फिर अगे की वीडियो कंटिन्यू की है तो वह भी बैटरी फुल चार्ज नहीं सी कोई 80% से कोई 70% सी माड़ी चंकी वीडियो शूट कर ली जिमें भी हुई फिर मैं सोचा कि एक बार हूँ बैटरियां चार्ज लाने आप उस तो बाद फिर अगे शूट करा देखो आ दो बैटरियां कट्ठिया चार्ज लाइया हुई हैं अजय 0.200 एम्पेयर होर चार्ज हो 0 होगा उदो फिर फुल बैटरी चार्ज होगी तो उस तो अलावा हो सकता है आ व्लॉग तो बाद 3-4 दिन फिर व्लॉग ना आए ठीक है 50-50 चांस ने वैसे तो मैं कोशिश कराँगा कि एक दो व्लॉग होर मैं शूट करा पर उन्होंने कुछ पक्का नहीं मैं कह सकता तो 4-5 दिन रुक के उस तो बाद आप फिर काम स्टार्ट करते हैं 2 नवे ट्रैक्टर से एक तो अपने को मॉडल पिया है उन्हें तो काम स्टार्ट करना है उस तो अलावा एक स्वराज पर काम स्टार्ट करते हैं तो स्वराज की बॉडी मैं तुम्हें पहले विखाती से वैसे हैगी अपने को मैं सोचन दिया कि स्वराज ने आप 4x4 बनाना है तो 4x4 बना जहाँ स्वराज में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जोड़ा आप नवा ट्रैक्टर एक स्टार्ट करना है ड्यूज फार उन्होंने भी 4x4 बना है इस करके 2 ट्रैक्टर कट्ठे 4x4 नहीं बना सकते अपा तो मैं सोचता सी कि एक पास ड्यूज 4x4 से काम स्टार्ट कर देंगे तो उस दे ही स्वराज 744 से काम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि वो तो आप 4x4 नहीं बना इस करके 2 ट्रैक्टर बनाने आप इस तो बाद अगे फिर देखांगे जो ये 2 ट्रैक्टर तैयार हो गए उस तो बाद फिर देख लाँगे स्वराज 855 4x4 उन्हें काम स्टार्ट कर देंगे ठीक है इदा मैं प्लैन कर रहा वा हजे पक्का कुछ नहीं कह सकते तो आप किसी नवे ट्रैक्टर से जो काम स्टार्ट किया तो लगभग 4 से 5 दिन बाद स्टार्ट करा ठीक है उन्हें काम तो हजे भी दिमाग च कन्फ्यूजन चलन दी है कुछ कन्फर्म नहीं गा कि आप किस ट्रैक्टर से काम स्टार्ट करना है ठीक है क्योंकि 3-4 ट्रैक्टर दिमाग चलन रहने स्वराज भी हैगा ड्यूज फार खड़ा है मॉडल उन्हें भी काम करना है उन्हें बारे कुछ होर सोचा मैं प्लैन किया हो भी काम करना है तो एक दो होर ट्रैक्टर ने उन्होंने मामले मैं थोड़ा जहा कन्फ्यूज हाँ तो हो सकता उन्हें भी काम स्टार्ट करिए छेती हुई तो देखते हैं काम सारा हजे तो रोल गदोल चलन दिया है कन्फर्म कुछ भी नहीं गा आ व्लॉग आऊगा इस तो बाद 4-5 दिन बाद जो व्लॉग आया तो उन्हें सब कन्फर्म दस दाँगा तुम्हें मैं कि हूँ किन्ने तो काम स्टार्ट करना है किड़े मॉडल से ठीक है तो की कुछ बना है किमें किमें बना 4x4 बना रिडक्शन सिस्टम किदा लाना है क्योंकि ना मैं अमेजोन तो एक चीज़ ऑर्डर की सी जी कि 2 दिन पहला आई है आ देखो तो अमेजोन से सर्च कर दिया मैं तो उत्थे मैं आ गेयर मिले तो आ गेयर मैं ऑर्डर करते थे इन्हों का प्राइस शायद एक सैट का 500 रुपया यानी कि 1000 रुपये का 2 सैट ने 1000 रुपये के वैसे तो महंगे ही ने जो वेख्या जाए जिमें आप अपने 9-11 च रिडक्शन सिस्टम लाया ठीक है वो रिडक्शन सिस्टम इन ज़्यादा पावरफुल है इन वैसे आ भी मैं जो मंगाए ने रिडक्शन सिस्टम वास्ते मंगाए ने तो हो सकता तुहानू वेख के पता लग गया हो जे नहीं लगा हो तुहानू मैं हुणे दस दाँगा तो इहदे विच आपां 2 तरह का रिडक्शन सिस्टम बना सकते हैं एक तो होलैंड वाला कि होलैंड जिहड़ा ट्रैक्टर हुंदा ना उहदे विच रिडक्शन सिस्टम इत्थे हुंदा बाहर ट्यूबां तों बाहर लगा हुंदा टायरां दे विच पता ही होगा वैसे जिहदे कोल होलैंड हैगा जे नहीं पता तो तुसीं सर्च कर लिओ जिवें 9-11 ट्रैक्टर हुंदा तो उहदे विच वी ना बाहर वाली साइड हुंदा रिडक्शन सिस्टम अपना आशा ट्रैक्टर हुंदा जिहड़ा सिंगल सिलेंडर उहदे विच वी इदां दा रिडक्शन सिस्टम हुंदा ठीक है या तो इत्थे आपां रिडक्शन सिस्टम लाइए साइडां ते या फिर लगेगा विच ठीक है जिवें अर्जन ट्रैक्टर हुंदा अर्जन नोवो च तो शायद प्लैनेटरी गेयर आते हैं पर जोड़ा आ अर्जन है 605 अपने को जोड़ा थले खड़ा होया उन रिडक्शन सिस्टम तो होंगे पर इदा हों कि ट्रैक्टर की बॉडी के इदा 2 गेयर होंगे ने व्डे तो उन्होंने उत्ते इतने छोटे गेयर लगे होंगे ने तो इन्ह छोटे गेयर के बच्च हों डिफरेंशियल ठीक है पर आ जोड़ा सिस्टम है जोड़ा अर्जन च लगा हों अपने इन्होंने मॉडलों से लगना नहीं गा क्योंकि अपने को डिफरेंशियल जोड़े बहुत ज़्यादा चौड़े ने तो उन्हें जी ट्रैक्टर की चौड़ाई बढ़ जाऊगी तो मैं जो इन ऑर्डर किया मैं यही सोच के किया कि जो गेयर ने बहर वाली साइड लावे आप जिमें होलैंड बहर गेयर लगे होंगे ना उदा लावे आप
तो आ एक होर अपने को रिडक्शन सिस्टम आ चुका इन काम करना पैना थोड़ा जहा क्योंकि आ जी शेप है इनकी ये सैट करनी पैनी है। तो मैं देखता वा ये सिस्टम भी किसी ट्रैक्टर से लाने हो सकता है स्वराज तो नहीं लगना या तो मैं फोर्ड से लावगा क्योंकि प्लैन चलन दिया दिमाग च फोर्ड बनाउन दा तो हो सकता मैं फोर्ड के उत्ते आ सिस्टम यूज कर ला। ठीक है जिहड़ा पुरानी शेप वाला फोर्ड हुंदा ना वो चलो तुहानू अगे आने वाले ब्लॉगों से पता लग ही जाऊ जो आप काम करा तो यह रिडक्शन सिस्टम लाना आप उस फोर्ड च। ठीक है तो इन्हें काम करना पैना खराद का भी थोड़ा जहा काम हैगा इदा डायरैक्ट आप यूज नहीं कर सकते इनू तो चलो देखते हैं अगे की बनता तो मौके पर थोड़े जे काम ने जरूरी मैं वो कर ला चार पाँच दिन के नहीं होए एडिटिंग थोड़ी जी रही है करने वाली थोड़ा कंप्यूटर का काम करने वाला वो कर ला उस तो बाद फिर मैं जाना है तो शाम को आके मैं हो सकता ब्लॉग कंटिन्यू करा या ब्लॉग एंड करा वो तुम मैं आके दस दवा सारा कुछ। ठीक है लो भी मुंडियो टाइम चेक कर लो 8:30 होने वाले ने शाम दे हुण कीता ब्लॉग कंटिन्यू कहदा कीता बस एंड ही कीता समझो तो आते वैसे मैं तुम्हें सवेरे विखाई दिता ही सिस्टम सारा तो बैरिंग वगैरह भी वेख ले सीगे कि किसी बैरिंग की जरूरत नहीं गी वैसे सारे बैरिंग है अपने को मौके पर। ठीक है इन्हें डिजाइन तो काम शुरू करना पर आप हजे 5 दिन रुकेंगे मे बी 5 दिन या तो मन के चलो 4 दिन 4-5 दिन लगन गए उस तो बाद ही किसी प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होना है। ठीक है इस तो बाद मैं देखा जो एक अद्धा ब्लॉग में होर शूट किया तो करा तो जे ब्लॉग ना शूट होया फिर तुहानू मैं 2-3 दिन बाद मिलांगा। ठीक है तो उदो फिर आप जोरा छोर काम स्टार्ट कर देंगे 2 ट्रैक्टर का काम स्टार्ट करना है एक तो अपने को पिया है मॉडल उनका कुछ काम तो सौखा हो जूगा चलो जो अपने को मॉडल तो हैगा उन्हें तो मत्था नहीं मारना पेगा। ठीक है यूज फार बहुत लंबे टाइम का पिया है अपने को काम करना आप वैसे मैं कई बार विखा चुके बहुत सारी इनकी अनबॉक्सिंग कर ली है आप। ठीक है साइज भी काफ़ी सही है वैसे इनका यानी अपने कबोटा नालों तो छोटा ही है वैसे पर ठीक है ओवरऑल साइज बहुत सैट है इनका 4x4 काफ़ी वधिया बन जूगा ट्रैक्टर। ठीक है लंबाई भी बहुत अच्छो दी तो वैसे भी यह मॉडल 4x4 च ही होंदा देखो इनकी शेप भी 4x4 वाली है कोशिश करांगा मैं 70% चांस ने ज़्यादा नहीं मैं कहिंदा कि इनू मैं एसी कैबिन ला सकां। ठीक है बाकी चलो अगे पता लगेगा एडा कु ते रहना नहीं जिड्डा तुहानू साइज़ विखन दिया ट्रैक्टर का साइज़ न्यू होलैंड जिन्ना तुर जूगा आराम नाल क्योंकि ना दोवां दी शो दी लंबाई जिहड़ी सेम टू सेम ही है वेखो ज़्यादा फर्क है नहीं गा इस करके ट्रैक्टर ते अपना वड्डा हो जाना ऑटोमैटिकली वो ते करना भी पऊगा क्योंकि 4x4 जे बनावांगे ते ट्रैक्टर ते वड्डा होऊगा। ठीक है वैसे तो मैं ना अपने एक फ्रेंड नूं कहा होया कि तू मैनूं पता करके दसी स्वराज का मॉडल कंप्लीट जे कोई 3D डिजाइन करता है। ठीक है विद इंजन तो मैनूं दसी आपां डिजाइन करवा लेंगे जो भी खर्चा होगा दे देंगे जे तो हो गया डिजाइन तो सब नाल वधिया मेहनत नहीं करनी पेगी जे ना डिजाइन होया फिर मैं आप मत्था मारांगा। ठीक है फिर मैं बनावांगा जरूर इतों आप कॉपी कर लेंगे सेम टू सेम जिदा का हैगा। ठीक है बाला सेम टू सेम तो नहीं कहता भी सेम टू सेम ही बना दाँगा मैं पर कोशिश करांगा कि वेखा जे इंजन लगे इदा का प्लैन है तो असल जिहड़ा मेरा मन ही करता पाया कि मैं स्वराज एक बनावा जिंदी ने उतो शो चक सकी है इस करके ना मैं ओरिजिनल डिजाइन चाहिए इंजन का भी शो चक के भी जो देखिए आप थले अपन इंजन विखे कंप्लीट इस करके मैं ये सोच लिया कि मैं प्रोपर डिजाइन मिल जाए इंजन का बाकी चलो देखते हैं अगे हौली हौली पता लग जूगा तुहानू बाकी ड्यूज़ फार दस्यो तुसीं मौके पर लुक तो बहुत सोहनी आँदी है तो उम्मीद करदा कि ट्रैक्टर भी सोहना बनूगा। ठीक है बाकी चलो अगे देखते हैं कि बनता एसी कैबिन लावांगे आपां इहनू क्योंकि अपने को एसी कैबिन का डिजाइन पिया है जिहड़ा कि आपां V8 वास्ते कढ़िया सीगा पर मौके पर टाइम ही नहीं मिलदा तो V8 ते मैं काम हजे स्टार्ट करना भी नहीं चाह रहा इस करके वो आपां प्रैक्टिकल करांगे इहदे ते पहलां। ठीक है इन्हें तो एक्सपैरीमेंट करके देखा लुक कि आँदी है फिर आप लावे V8 तो चलो फिर ठीक है मुंडियो अज का व्लॉग कह लो निक्की वीडियो कह लो जो मर्जी कह लो इत ही करते हैं आप एंड वेखन लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी मिलते हैं कल कोशिश करते हैं कल मिलते हैं आप। ठीक है उस तो बाद हो सकता 2-3 दिन ना मिल गए ओके बाय टाटा। तो बाकी बहुत सारे भीर कमेंट करते भी पे सके कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे पर रिप्लाई नहीं दिता गया मेरे तो मैं क्या भी चल ब्लॉग बना ही लेने आप चलो मिलते हैं सवेरे ओके बाय।